कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है और दिवाली से रिलेटेड ही DIY करने का मन कर रहा था। और दिवाली में सबसे ज़्यादा जो जलाया जाता है दिया, तो क्यों ना हम दिया होल्डर बना लें। लेकिन उससे पहले जय माता रानी, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल लाइफ। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम छोटा सा क्राफ्ट जो कि बेकार चीज़ों से बनाया है और हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं वो कार्डबोर्ड है, तो कार्डबोर्ड से हमने एक क्राफ्ट बनाया है। तो चलिए देखते हैं। तो इस दिया होल्डर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कार्डबोर्ड चाहिए जो हमारे घर में बहुत जल्दी मिल जाते हैं। तो इसे आप कट कर लीजिए, आपको जितने भी साइज़ रखने हैं आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और जितने पीसेस में कट करने हैं, हमने यहाँ पे 4 पीस किए हैं कट। अब हम यहाँ पे एक पेपर लेंगे, तो इसको आप जो भी साइज़ रखनी है आपको उस साइज में रख लीजिए पहले। उसके बाद इस पर सिंपल सा झरोखा ड्रॉ कर लीजिए कुछ इस तरह से, और फिर इसे कट लगा लीजिए। आप देख के अच्छे से समझ जाएंगे। तो आगे का प्रोसेस मैं कंटिन्यू करती हूँ। कलर कंप्लीट हो जाने के बाद थोड़ा सा दिवाली टच दे रही हूँ, तो इसके लिए हम यहाँ पे लेसेस का यूज करेंगे। और इसे चिपकाने के लिए मैंने 600 ग्लू का यूज किया है, आप इसकी जगह ग्लू गन भी ले सकते हैं। तो ये देखिए दिया होल्डर लगभग कंप्लीट हो गया है। तो इस पर थोड़ी सी कलाकारी और कर लेते हैं। तो इस पर आप चाहें तो कोई फ्लावर बना सकते हैं बॉर्डर में, या फिर आपके पास अगर मिरर है कट मिरर तो वो भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम मिरर लगा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मिरर से थोड़ी सी दिवाली वाली टचअप आ जाती है। तो मिरर लगाने से बहुत ही सुंदर क्राफ्ट बन जाता है, और हम दिया यहाँ पर अगर जलाएँगे तो मिरर की वजह से बहुत ज़्यादा लाइटिंग इसमें आएगी, जो कि दिवाली डेकोरेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप भी इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं अपने घर के कार्डबोर्ड और घर के बेकार चीज़ों को यूज करके अपने घर को खूबसूरत और सुंदर बना सकते हैं, और इससे आप डेकोरेशन कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें आप कार्डबोर्ड से बना के अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये क्राफ्ट कैसा लगा, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी और थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे इसी तरह से क्राफ्ट DIY और गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो आती रहती है।